हेलो जी, मेरा नाम रिकी है और मेरे साथ विशाल है और आज हम आए हैं गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद और हम अभी एंट्रेंस पे हैं और जो मेन जो अट्रैक्टिव पॉइंट है इस फोर्ट का वो एंट्रेंस गेट है क्योंकि वहाँ इकोस्टिक साउंड आती है तो मैं आपको इकोस्टिक साउंड सुनाता हूँ। इको साउंड तो गाइज़ अगर आप भी अगर कभी गोलकोंडा फोर्ट आते हो तो एंट्रेंस पे इकोस्टिक साउंड है वो ज़रूर चेक कीजिए। कैमरे में कैप्चर नहीं होती बट जब अपन वहाँ क्लैपिंग करते हैं खुद का नाम लेते हैं ना तब यहाँ इकोस्टिक साउंड निकलती है। जो साउंड यहाँ पे आती है साउंड क्यों आती है क्योंकि ये कहा जाता है कि जब जो यहाँ के जो सैनिक होते थे वो अपने राजा को कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ क्लैपिंग करते थे, कोई मैसेज छोड़ना होता था तो वो मैसेज छोड़ते थे इसके ज़रिए और इसकी आवाज़ है जो इस किले का जो सबसे जो उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है बाला हिसार, वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। दिस इज द एकोस्टिक साउंड इन द एंट्रेंस गेट ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट। और गोलकोंडा फोर्ट जिसका एक जो गोलकोंडा नेम है वो तेलुगु वर्ड है, इस मीन्स सैफर्ड और हिल्स। गोलकोंडा, गोला मतलब गडरिया और कोंडा मतलब पहाड़ी, और इसका निर्माण काकाटिया ने करवाया था और ये कहा जाता है कि एक गडरिया ने काकाटिया को इस महल बनाने का आइडिया दिया था, इसके लिए इस वजह से इसका नाम गोलकोंडा फोर्ट पड़ा। पूरा खंडर हो रहा था, इसका अटैक बहुत हुआ ना भाई, इसके लिए पूरा खंडर हो रहा। बट हैदराबाद में मैं जहाँ भी घूमने जा रहा हूँ पता नहीं ऐसा क्यों है कि हम माइक कहीं भी अलाउड नहीं है, मतलब सिर्फ कैमरा अलाउड है, माइक कहीं भी लोग अलाउ ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। क्या हो गया? मैं डर गई। ओ तू भाग के आना एकदम से उधर से, हॉरर लगेगा, हॉरर जैसा। तू खड़ा तो हो, तू आ तो सही। एक सेकंड, ये हॉरर कहां से हुआ? यार मेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ना अपन सऊदी अरब में आ गए हों, तेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे सऊदी अरब में आ गए हों, और ये फोर्ट बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे अपन सऊदी अरब में आ गए। बिल्कुल खंडर हो गया यहाँ भाई, अटैक बहुत हुए हैं इस फोर्ट पे, इतने अटैक हुए ना कि अभी ये खंडर सा हो गया। और कहा जाता है कि इस फोर्ट के अंदर बहुत सी गुफाएँ हुआ करती थी जिसके अंदर हीरे जेवरात मिलते थे, और ये भी सुना जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है उसका संबंध गोलकोंडा फोर्ट से है, सुना है पता नहीं कितना सच है।
जैसे ही इस फोर्ट के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो शुरू होने लगता है यह बेहतरीन दृश्य हैदराबाद शहर, खूबसूरत शहर और खूबसूरत फोर्ट से खूबसूरत नज़ारा। मेरा कैमरा बयान नहीं कर पा रहा, बट जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो मैं कैसे कहूँ। ये खूबसूरत नज़ारा हैदराबाद शहर, छोटे छोटे घर इस फोर्ट के टॉप से दिखते हैं और इतना बेहतरीन नज़ारा है ना, ये अपनी आँखों से ही अगर आप एक्सपीरियंस करो तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आ रहा जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। और मैं यहाँ आके कुछ देर रुक ही गया जब मैंने यहाँ से हैदराबाद शहर का व्यू देखा, इतना खूबसूरत शहर और दूसरा ये खूबसूरत फोर्ट और ये नज़ारा। कहते हैं अगर हैदराबाद में आओ और गोलकोंडा फोर्ट ना आओ तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मैं तो आ गया, आप कब आ रहे हैं? गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर है माता का मंदिर, जय माता दी, तो दर्शन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और ये पहाड़ जो इस माता के मंदिर के पीछे है, और इस पहाड़ के अंदर है माता का मंदिर, जय माता दी। माता का मंदिर गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर और ये पहाड़, वो देखिए गाइस ये पहाड़ कैसे खड़ा है मंदिर के पीछे, ये है अद्भुत शक्ति माता का मंदिर गोलकोंडा फोर्ट। दिस इज टॉप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। ये है गोलकोंडा फोर्ट की आखिरी मंजिल, बट मैंने भी सिक्योरिटी गार्ड से पता किया, उसने बोला कि यहाँ माता के मंदिर में कुछ दिन पहले फेस्टिवल था तो यहाँ बकरे चढ़ते हैं, तो कुछ लोग यहीं खा रहे थे और शराब पी रहे थे, तो कोई एक व्यक्ति शराब पी के ऊपर से नीचे गिर गया, इस वजह से अभी इस आखिरी मंजिल पर जाना बंद कर रखा है। जो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होगा, तब तक हम आ जाएंगे नीचे वापस। दिस इज़ द व्यू ऑफ हैदराबाद सिटी फ्रॉम द गोलकोंडा फोर्ट, हाईएस्ट फ्रॉम द गोलकोंडा फोर्ट। और एक आखिरी बार गोलकोंडा फोर्ट को देख लेते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। और गोलकोंडा फोर्ट की टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 टू इवनिंग 5:30, और टिकट है 50 रुपीज़ और कैमरे के चार्ज हैं 25, बट माइक अलाउड नहीं है, सिर्फ कैमरा अलाउड है। आप ब्लॉग बना सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, ईजी। इट्स ऑल अबाउट ड्रीम, नॉट मनी, नॉट फैम, ऑल अबाउट।